आज अपन पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स के अंदर फर्स्ट चैप्टर जो है आईसी इंजन, इंटरनल कंबस्टन इंजन। ठीक है, तो सबसे पहले इंजन होता क्या है? इंजन जो होता है वो होता है एक डिवाइस, ए डिवाइस या ए मशीन विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी को जो कन्वर्ट करे इनटू मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो इंजन कहलाता है। ठीक है, तो आपके पास इंजन की डेफिनेशन आ गई। इंजन किसे कहते हैं? एक ऐसी डिवाइस जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। अब जो हीट इंजन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इंजन जो है हीट इंजन, उनको दो क्लासिफिकेशन, उनको दो डिवाइड हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो होता है इंटरनल कंबस्टन इंजन, पहला है इंटरनल कंबस्टन इंजन, और दूसरा है एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन। ठीक है, इंटरनल कंबस्टन इंजन एंड एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन दो तरीके के इंजन होते हैं। सेकंड आप कह सकते हैं एक्सटर्नल इंजन। ठीक है, एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन कौन से होते हैं? जिसके अंदर जो एक्सप्लोजन होता है, इसके अंदर एक पावर स्ट्रोक आता है। ठीक है, तो वो पावर स्ट्रोक कौन से उसमें हो रहा है? ठीक है, अगर वो पावर स्ट्रोक हो रहा है आपका जहां पे, अगर वो एक्सटर्नल हो रहा है फ्रॉम द सिलेंडर, सिलेंडर के बाहर हो रहा है, इफ द कंबस्टन ऑफ फ्यूल takes place outside the cylinder के बाहर। ठीक है, external combustion engine कौन सा होता है? जिसके अंदर एक सिलेंडर होता है और जो combustion है वो सिलेंडर के बाहर होती है। ठीक है, combustion मतलब के blast। मैंने आपको बताया था कि एक सिलेंडर होता है, ये अपन पहले भी कर चुके हैं बहुत बार, आईसी इंजन के बारे में आपको पता ही होगा। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन मूव करता है। ठीक है, और वो पिस्टन जो है वो ऊपर नीचे मूव करता है, रेसिप्रोकेट करता है, और सिलेंडर के अंदर क्या होता रहता है, यहाँ पे कंटिन्यू एक ब्लास्ट होता रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो ब्लास्ट होगा वो पिस्टन को नीचे मूव करेगा। ये इंटरनल कंबस्टन इंजन है। अगर ये ब्लास्ट जो है आउटसाइड द सिलेंडर प्लेस करे, अगर कहीं बाहर हो और उसकी हीट को आप यूज करें एज टू मूव द सिलेंडर, एज टू मूव द पिस्टन, पिस्टन को मूव करने के लिए उसकी हीट का यूज करें, तो आप उसको क्या कहेंगे? एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन कहेंगे। जिसके अंदर सिलेंडर के अंदर ब्लास्ट नहीं होता, सिलेंडर के बाहर ब्लास्ट हो। ठीक है, या बाहर हीट पैदा हो, जो हीट है वो आउटसाइड द सिलेंडर जो है प्रोड्यूस हो, तो ऐसे उसको क्या कहते हैं, इंजन को क्या कहते हैं? एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन कहते हैं। तो इसके एग्जांपल्स कौन से हो सकते हैं? तो एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन का सबसे मेन एग्जांपल है जो है आपा पढ़ा होगा आपने, स्टीम इंजन। ठीक है, स्टीम इंजन जितने भी होते हैं वो सारे एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन होते हैं। उसके अंदर जो है एक स्टीम चैम्बर होता है, यहाँ पे ब्लास्ट होता है। ठीक है, ब्लास्ट नहीं होता, वहां पे हीट होती है। यहाँ पे क्या रहता है? वाटर चैम्बर रहता है। ठीक है, वाटर के नीचे यहाँ पे क्या होता है? स्टीम जनरेट होती है। ठीक है, यहाँ पे जो है फायर बनाई जाती है, जिससे वो वाटर जो है बॉयल होता है और वो इस बॉयलर के अंदर फिल हो जाता है।
ठीक है, बॉयलर के अंदर अगर स्टीम रहेगी तो स्टीम को भेजा जाता है सिलेंडर के अंदर, बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ स्टीम जो है सिलेंडर के अंदर पहुंचती है, जहां पे जाके वो सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है उसको रोटेट उसको मूव करवाती है, रेसिप्रोकेट करवाती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप इसको क्या कह सकते हैं, ये कौन सा है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन है, ठीक है। तो अगर आप बात करें कि इंटरनल कंबशन इंजन कौन से होते हैं, तो इंटरनल कंबशन इंजन कौन से होते हैं जिनके सिलेंडर के अंदर कंबशन होती है, ठीक है, इंटरनल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, द कंबशन इन दिस टाइप ऑफ सिलेंडर, इन दिस टाइप ऑफ इंजन, इन दिस टाइप ऑफ इंजन टेक्स प्लेस इनसाइड द सिलेंडर, मेन सिलेंडर के अंदर जो है वहीं पे ब्लास्ट होता है, वहीं पे जो है सिलेंडर के अंदर ही ब्लास्ट होता है, वहीं से पावर जनरेट होती है। तो ऐसे इंजन को आप क्या कह सकते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आगे दो तरीके के इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन एंड इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है। इनके बारे में क्या है कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन है उसके अंदर जो है ब्लास्ट वो आउटसाइड द सिलेंडर प्लेस करता है, ठीक है। थोड़ा सा लिख लेते हैं, कई बार डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल कंबशन इंजन एंड एक्सटर्नल कंबशन इंजन, आईसी इंजन एंड ईसी इन एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो आईसी इंजन यहां पे लिख देता हूं, आईसी इंजन, और यहां पे लिख देता हूं एक्सटर्नल कंबशन ईसी इंजन, ये इनके शॉर्ट नेम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसी इंजन लिखा आएगा आपको एग्जाम में, यहां पे ईसी लिखा आएगा एक्सटर्नल कंबशन, इंटरनल कंबशन। इंटरनल कंबशन इंजन के एग्जांपल्स कौन से हैं, जैसे बाइक हो गई, बाइक का जो इंजन है वो इंटरनल कंबशन इंजन है, ट्रैक्टर का इंजन इंटरनल कंबशन इंजन है, ठीक है, गाड़ी का इंजन इंटरनल कंबशन इंजन है, जो भाप की रेलगाड़ी होती है स्टीम इंजन होता है भाप का, ठीक है, वो कौन सा होता है, वो एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन के तो कुछ ही एग्जांपल है अपने पास, ठीक है। तो इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर क्या होता है, ब्लास्ट जो है वो सिलेंडर के अंदर रहता है, तो ब्लास्ट टेक्स प्लेस इनसाइड द सिलेंडर और इसके अंदर क्या होता है, ब्लास्ट टेक्स प्लेस आउटसाइड द सिलेंडर। इसके अंदर क्या होता है, ब्लास्ट जो है वो कहां पे रहता है, आउटसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के बाहर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं इसके अंदर, सेकंड आपने पूरा लिखना है उसको, नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हैं, इसकी एफिशिएंसी इज वेरी हाई देन एक्सटर्नल कंबशन इंजन, एफिशिएंसी इज हाई हाई देन एक्सटर्नल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन से एफिशिएंसी हाई होती है क्योंकि बाप के इंजन की एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं होती, उसके अंदर आप जितनी इनपुट दोगे उतनी आउटपुट नहीं आएगी, लेकिन इसके अंदर जितनी इनपुट दोगे उसका ज्यादातर हिस्सा जो है आउटपुट आपको मिल जाएगी। एफिशिएंसी इज वेरी लो, एफिशिएंसी इज वेरी लो, जितना फ्यूल कंजप्ट करोगे आपको कंजप्शन होगी जितने फ्यूल की उतनी एफिशिएंसी नहीं मिलेगी, वेरी लो मतलब कि फ्यूल की वेस्टेज होगी उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं और कौन कौन सी इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है वेट और जो है इसकी पावर की रेशो वो बहुत कम रहती है क्योंकि जो है लोअर रेशो ऑफ वेट एंड पावर, वेट एंड पावर मतलब कि वेट और पावर के बीच में रेशो बहुत कम रहती है, कि अगर जो है वेट इसका 40 केजी है और पावर इसकी कुछ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में रेशो कम रहती है, ठीक है, कि जो पावर है उतना ही वेट है उसका, जितना वेट है उतनी वो पावर दे रहा है, अकॉर्डिंग टू वेट उसकी पावर जो है बहुत है, लेकिन इसके अंदर वेट बहुत ज्यादा है और पावर बहुत कम है, ठीक है। इन दिस जो है वेट और पावर की रेशो जो है बहुत ज्यादा रहती है क्योंकि वेट ज्यादा होता है और पावर जो है कम रहती है, ठीक है। वेट इज हाई
अकॉर्डिंग टू पावर, अकॉर्डिंग टू सेम पावर। सेम पावर के लिए यहां पे क्या है, वेट जो है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ऐसे आप इनके अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। बहुत सारे डिफरेंसेस और भी मिल जाएंगे आपको जो खुद से पढ़ लोगे आप, कि कैसे आपका जो है इंटरनल कंबशन इंजन को क्यों यूज कर रहे हैं, एक्सटर्नल कंबशन इंजन को क्यों छोड़ दिया। उसके लार्ज एरिया के कारण, एरिया इसका बहुत कम होता है इंटरनल कंबशन इंजन का, ठीक है। और जो है इसके अंदर पावर जो है वो जनरेट करते हैं आप बहुत ही थोड़े एरिया के अंदर, ठीक है। फ्यूल सप्लाई कम यूज करता है ये, ठीक है, कम फ्यूल से काम चल जाता है इसके अंदर। तो ऐसे आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों को, इंटरनल और एक्सटर्नल कंबशन इंजन को आपस में डिफरेंस कर सकते हैं दोनों का, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन, क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन। आईसी इंजन को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं आप, बहुत सारे तरीके के आईसी इंजन हैं जो अब बन रहे हैं, ठीक है। तो इनको डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई किया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू वेट, अकॉर्डिंग टू पावर, बहुत सारे तरीके की क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं कि जिससे आप इसके अंदर अलग अलग जो है इंजन जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द साइकिल ऑफ ऑपरेशन, अकॉर्डिंग टू द साइकिल ऑफ ऑपरेशन, तो दो तरीके का होता है साइकिल। एक तो होता है डीजल साइकिल, जिसके अंदर डीजल चलता है, ठीक है, डीजल साइकिल जिसके अंदर डीजल सक्शन होती है, डीजल कंप्रेशन होती है, डीजल पावर स्ट्रोक आता है, फिर डीजल एग्जॉस्ट होता है, ठीक है, जल के, ठीक है। तो डीजल साइकिल है। एक होता है ऑटो साइकिल, पेट्रोल साइकिल, ऑटो साइकिल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ऑटो साइकिल, दो तरीके के साइकिल होते हैं अकॉर्डिंग टू जो है अकॉर्डिंग टू साइकिल। डीजल साइकिल जो होता है वो डायरेक्ट इंजेक्शन टाइप होता है, और जो ऑटो साइकिल होता है वो स्पार्क इग्निशन, स्पार्क इग्निशन, इसके अंदर स्पार्क होता है, ठीक है, इंजन के अंदर। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि कैसे ये वर्क करते हैं दोनों, ठीक है। तो ये है अकॉर्डिंग टू द साइकिल, कौन से साइकिल, कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्ट्रोक्स, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्ट्रोक्स, नंबर ऑफ स्ट्रोक्स, नंबर ऑफ स्ट्रोक्स होते हैं इंजन के अंदर, कि एक में क्या होता है सक्शन, उसके बाद कंप्रेशन, क्रैंक आधा चक्कर कंप्लीट कर लेती है, एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है पूरा सक्शन एंड कंप्रेशन के अंदर। आधा चक्कर जब उसने सक्शन किया, पिस्टन नीचे आया, क्रैंक आधा घूम गई, फिर से आधा चक्कर घुमा जब उसने कंप्रेशन किया, फिर से हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट किया जब पावर स्ट्रोक आया, और फिर एग्जॉस्ट, मतलब कि दो रेवोल्यूशन के अंदर चार जो उसने थे अलग अलग स्ट्रोक्स वो कंप्लीट किए दो रेवोल्यूशन के अंदर। कहां पे, एक रेवोल्यूशन के अंदर पूरा जब वो ऊपर की ओर जाएगी तो सक्शन और कंप्रेशन करेगा, वो होता है टू स्ट्रोक इंजन, और वापस जब नीचे आएगी तो एग्जॉस्ट एंड पावर स्ट्रोक। तो यहां पे क्या है, दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो ये क्या है, टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन, आप इनको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ए में क्या है, टू स्ट्रोक इंजन, बहुत ही पावरफुल थे पहले, चेतक स्कूटर आया करते थे उनके अंदर होते थे टू स्ट्रोक इंजन, और दूसरा कौन सा है, फोर स्ट्रोक इंजन। टू स्ट्रोक इंजन एंड फोर स्ट्रोक इंजन, दो तरीके से आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कौन सा है, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्ट्रोक आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं अलग अलग तरीके के जो है सिलेंडर, सॉरी इंजन को। नेक्स्ट आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फ्यूल यूज्ड, अकॉर्डिंग टू द फ्यूल यूज्ड। अब इंजन को चलाने के लिए कौन कौन से फ्यूल यूज होते हैं उसके हिसाब से भी आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है, डीजल, ठीक है, डीजल इंजन। आप बोलते हो ना कि ये डीजल इंजन है गाड़ी, दूसरा बोलते हैं पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन, पेट्रोल डलता है उसके अंदर। तीसरा आप बोलते हो कि ये एलपीजी है, एलपीजी इंजन, जो एलपीजी से चलते हैं। नेक्स्ट आप बोलते हो ये सीएनजी इंजन है, सीएनजी इंजन, ठीक है। ऐसे सो ऑन बहुत सारे तरीके के होते हैं,
और गैस इंजन, गैस टोटल गैस जो है उसको यूज करता है, तो गैस इंजन। तो ऐसे आप इनको डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है। तो जो ये वाले इंजन हैं ये क्या है, आगे आप इनको अकॉर्डिंग टू फ्यूल, कौन सा फ्यूल यूज कर रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, कौन सी चीज यूज कर रहे हो आप, ठीक है, आपको उसके अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर, अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ इंजन, इंजन की अरेंजमेंट कैसी है, ठीक है। सिंगल सिलेंडर है वो, तो सिंगल वर्टिकल सिलेंडर आएगा। उसके बाद एक आते हैं वी शेप इंजन, जिसके अंदर जो सिलेंडर है वो कुछ ऐसे फिट किया हुआ होता है, यहाँ पे एक पिस्टन होता है, यहाँ पे दूसरा पिस्टन होता है, और वो सेम जगह पर एक ही क्रैंक के ऊपर जाकर कनेक्ट होते हैं वो, ठीक है, लेकिन अलग अलग उस पे चलते हैं वो, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं, वी शेप इंजन होते हैं। एक डब्ल्यू शेप इंजन होता है, यहाँ पे ये अलग चल रहे हैं और यहाँ पे फिर से एक अलग प्रोसेस चल रहा है, एक यहाँ पे सिलेंडर, ठीक है, इन दोनों की क्रैंक अलग होती है। तो ये क्या होता है, डब्ल्यू शेप। तो ऐसे सिलेंडर आते हैं बहुत सारे तरीके के, एक वर्टिकल सिंपल जो पहले बनाया था मैंने, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग जो है डिजाइन के शेप के सिलेंडर आते हैं कि थोड़े से एरिया में ज्यादा से ज्यादा इंजन जो है वो फिट किया जा सके, ताकि अब हॉर्ले डेविडसन बाइक है वो किसी ने देखी होगी, अगर तुम नहीं देखी तो उसको नेट पे सर्च करना, उसका इंजन जो होता है वो वी शेप होता है, उसके अंदर एक ही क्रैंक के ऊपर दो पिस्टन एक ही जगह पर अटैच होते हैं और दोनों का अलग अलग प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। तो वो डबल सिलेंडर इंजन है, बाइक के अंदर सिर्फ वही कुछ ही बाइक्स हैं जो वी शेप इंजन का यूज करती हैं और वो डबल सिलेंडर बाइक्स बनाती हैं, वरना जो आपके पास होंडा, बुलेट और जितनी भी बाइक्स आपके पास अवेलेबल है वो सारी सिंगल सिलेंडर है, ठीक है, वो अकेली बाइक है जो डबल सिलेंडर है। नेक्स्ट आप बात करते हैं अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, इनलाइन द स्ट्रेट इंजन, स्ट्रेट सिलेंडर इंजन, इंजन जो है सीधा है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट आप कह सकते हैं वी इंजन, वी शेप इंजन, वी शेप इंजन, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि डबल पिस्टन हो, ठीक है, एक इधर सिलेंडर है एक इधर सिलेंडर है, इसके अंदर ये वाला पिस्टन चल रहा है, इसके अंदर ये वाला पिस्टन चल रहा है, इसकी जो है क्रैंकशाफ्ट वो भी यही है, इसकी क्रैंकशाफ्ट वो भी यही है, ठीक है। तो ये कौन सा है, वी शेप इंजन है। तो पहला आ गया स्ट्रेट इंजन, दूसरा आ गया वी शेप इंजन, तीसरा आ गया, नेक्स्ट आगे कौन से आते हैं, रेडियल इंजन, ठीक है, रेडियल इंजन जिसके अंदर बहुत सारे इंजन हो, रेडियल इंजन, चारों तरफ इंजन हो, ठीक है, ऐसे सर्कुलर पूरे चारों तरफ, ठीक है, रेडियस पर इतनी रेडियस पर दूसरा इंजन, इतनी रेडियस पर नेक्स्ट इंजन, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक दूसरे के अपोजिट हो, तो अपोज्ड, अपोज्ड पिस्टन, पिस्टन इंजन, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, एक तो यहां पे हो और दूसरा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है, यहां पे पिस्टन हो और इसके ऊपर ये वाला सिलेंडर, ये वाला ना हो फिर, ठीक है, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसे जो है आप अलग अलग, एक डब्ल्यू शेप मैंने पहले बना के दिखाया था, ठीक है, डब्ल्यू शेप इंजन, अपोजिट पिस्टन, नेक्स्ट कौन सा आ गया, डब्ल्यू शेप, डब्ल्यू शेप्ड इंजन, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इंजन जो है अकॉर्डिंग टू देयर शेप आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ इंजन आपने कर दिया। नेक्स्ट आप देखते हैं अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ इग्निशन, अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ इग्निशन, इग्निशन कैसे होता है उसके अंदर, ठीक है, कैसा इग्निशन सिस्टम आपने यूज किया है, ठीक है। तो सबसे पहले इग्निशन सिस्टम, जैसे उसके अंदर ब्लास्ट कैसे होता है, कौन सा प्रोसेस है जो ब्लास्ट करने के लिए यूज करते हैं आप, ठीक है। तो सबसे पहले स्पार्क इग्निशन, स्पार्क इग्निशन, स्पार्क इग्निशन किसके अंदर होता है, पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन या ऑटो साइकिल, ऑटो साइकिल, इसको ऑटो साइकिल भी बोलते हैं, ऑटो साइकिल, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल के अंदर क्या होता है, स्पार्क होता है, स्पार्क के कारण ब्लास्ट होता है,
लेकिन डीजल इंजन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। डीजल इंजन के अंदर ब्लास्ट होता है तो खुद से होता है, ठीक है। वहां पे क्या किया जाता है, डायरेक्ट इंजेक्शन किया जाता है। और उस इंजेक्शन, जैसे पहले देखो एयर कंप्रेस होती है पिस्टन के अंदर, ठीक है, पिस्टन जो है सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट कर रहा होता है, तो सिलेंडर के अंदर एयर को कंप्रेस कर देता है। तो अगर उसके अंदर अगर पेट्रोल उसके अंदर मिक्स्ड है, तो पेट्रोल बहुत ज्यादा जो है ब्लास्ट उसके अंदर होने की संभावना हो जाती है। जैसे ही ब्लास्ट हुआ तुरंत वहां पे ब्लास्ट हो जाता है और पिस्टन जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से नीचे आ जाता है। लेकिन डीजल इंजन के अंदर क्या होता है, जब कंप्रेस्ड फ्यूल होता है उसके अंदर डीजल का को इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो जैसे ही डीजल उसके अंदर फोर्स के साथ इंजेक्ट किया जाता है, तो वहां पे क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। एयर पहले से कंप्रेस्ड थी, हीटेड थी, जैसे ही उसके अंदर डीजल सप्लाई किया गया उसको, तो फ्यूल मिल गया और वो ब्लास्ट हो गया। तो नेक्स्ट कौन सा होता है, कंप्रेशन इग्निशन, ठीक है, कंप्रेशन के कारण, कंप्रेशन इग्निशन, ठीक है, इग्निशन, सॉरी आई से इग्निशन, इसको बोलते हैं सी आई, कंप्रेशन के कारण जो ब्लास्ट होता है, ठीक है, सी आई इंजन, कंप्रेशन इंजन, इग्निशन, जो कंप्रेस्ड होते हैं, कौन सी होती है कंप्रेशन, डीजल इंजन, ठीक है। तो डीजल के अंदर क्या होता है, कंप्रेशन इग्निशन सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये आ गया अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ इग्निशन। नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ कूलिंग ऑफ सिलेंडर, तो वाटर कूल्ड एंड एयर कूल्ड, अकॉर्डिंग टू द कूलिंग ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर को कूल करने के कौन से ऑप्शन है आपके पास। देखो आपने रेडिएटर देखा होगा गाड़ी के अंदर, ठीक है, तो रेडिएटर का क्या काम होता है, रेडिएटर का काम होता है सिलेंडर को कूल करना, ठीक है। उसके अंदर सिलेंडर की दीवारों के अंदर वो वाटर भेजता है, तो वो कौन सा होता है, वाटर कूल्ड, वाटर कूल्ड इंजन, जिसको वाटर के द्वारा कूल किया जाए। और दूसरा आपने बाइक का इंजन देखा होगा, बाइक का इंजन क्या करता है, बाइक का इंजन खुद से कूल होता है, उसके अंदर कहीं पे वाटर सप्लाई नहीं किया जाता, वो एयर के कारण उसके ऊपर फिन्स बनी रहती है बहुत सारी, वो एयर के डायरेक्ट टच में आती है जिसके कारण जल्दी ठंडी हो जाती है, तो वो कौन सा होता है, एयर कूल्ड, एयर कूल्ड इंजन, वाटर कूल्ड इंजन, एयर कूल्ड इंजन, तो दो तरीके के इंजन होते हैं, ठीक है, वाटर कूल्ड एंड एयर कूल्ड। तो यहां पे आपने क्या किया है, अकॉर्डिंग टू, आगे थोड़े से और देख लेते हैं, जिससे क्या है आप इनको डिफरेंशिएट कर सके, क्लासिफाई कर सके, ठीक है। तो आपने डिफरेंट टाइप से इनको क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू द साइकिल ऑफ ऑपरेशन, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्ट्रोक्स, टू स्ट्रोक, फोर स्ट्रोक, अकॉर्डिंग टू द फ्यूल सप्लाई, डीजल, पेट्रोल, ठीक है, गैस, एलपीजी, सीएनजी, बहुत सारी सप्लाई आप गैस की करते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। और भी मेथड्स हैं, अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ इंजन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ इंजन, स्पीड ऑफ इंजन, इंजन की स्पीड कितनी होती है उसके हिसाब से भी आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्पीड हो, तो हाई स्पीड इंजन, हाई स्पीड इंजन। दूसरा आता है मीडियम स्पीड इंजन, मीडियम स्पीड इंजन। तीसरा आता है लो स्पीड इंजन, बहुत ही कम स्पीड हो तो लो स्पीड इंजन। तो तीन तरीके से अपन इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हाई स्पीड इंजन, मीडियम स्पीड इंजन एंड लो स्पीड इंजन, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास इंजन के डिफरेंट टाइप्स। आगे अपन एक और क्लासिफिकेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ इंजन, अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ इंजन, यूज कैसे किया जाता है, इनके अंदर से क्लासिफिकेशन आती रहती है, तो आपको पता होनी चाहिए ये सारी चीजें, आप पढ़ लेना एक बार, स्पीड के हिसाब से इनको क्लासिफाई किया जा सकता है, ये सारी चीजें बार बार आएंगी अपने सामने, ठीक है। लेकिन एक बार अपने शुरुआत में इसको पढ़ा ताकि आपको टाइप समझ में आए, अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ इंजन, कैसे यूज करना है, ठीक है, यूज ऑफ इंजन। तो कौन कौन से तरीके के हो सकते हैं, स्टेशनरी इंजन, जो एक जगह पे टिका हुआ है उसको कभी नहीं हिलाया गया, किसी
कंपनी में, किसी इंडस्ट्री में, किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए एक जगह पे इंजन फिट किया और वहीं पे पड़ा है, या खेत के अंदर ट्यूबवेल के लिए यूज किया गया है वहीं पे पड़ा है, कभी नहीं हिलाया, ठीक है, तो वो कौन से होते हैं? स्टेशनरी इंजन। नेक्स्ट होते हैं पोर्टेबल इंजन, जिनको थोड़ा बहुत मूव किया जा सके, पोर्टेबल इंजन, जैसे कि अब भी अपने जनरेटर के इंजन वो मूवेबल नहीं होते लेकिन उनको पोर्टेबल होते हैं कि उनको कहीं भी ले जाया जा सकता है। थर्ड आ गया ऑटोमोबाइल इंजन, ऑटोमोबाइल इंजन जिनको मूव होते रहना होता है, खुद को भी मूव करना होता है साथ में व्हीकल को भी मूव करवाना होता है, तो वो होते हैं ऑटोमोबाइल इंजन, ठीक है। तो ऐसे आप इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये सारे होती है क्लासिफिकेशन। तो अब आपको ये जो है ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक था। इस चैप्टर के अंदर आप आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में पढ़ेंगे सारा कि कैसे वर्क करते हैं, और बहुत सारे तरीके के इंटरनल कंबशन इंजन, जैसे कि पेट्रोल एंड डीजल, टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक। पेट्रोल भी टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक के अंदर आते हैं, डीजल भी टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक के अंदर आता है। तो दोनों की वर्किंग आप पढ़ेंगे इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। आपको डिटेल में पता चलेगा कि वाकई में जो इंटरनल कंबशन इंजन है वो कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। आज अपन ने जो पढ़ा है ये उनकी क्लासिफिकेशन है कि कैसे अपन उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये इंजन कौन सा है और कहाँ पे यूज होगा। पेट्रोल इंजन जो है वो एवरेज के अंदर उसका कम रहता है, एवरेज कम रहती है पेट्रोल इंजन की, डीजल इंजन की एवरेज ज्यादा होती है। स्पीड के मामले में पेट्रोल का यूज किया जाता है और पावर के मामले में डीजल का यूज किया जाता है। जैसा कि आपने ट्रक देखे होंगे, ट्रक जो होते हैं हैवी लोड वाले ट्रक, मीडियम लोड वाले ट्रक, ठीक है, और छोटे जो है वो आपने देखे होंगे ट्रक्स, जब कुछ भी कैंपर्स आपने देखे होंगे, वो ज्यादातर डीजल के ऊपर चलते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपने अगर कार्स देखी हो, स्पीड कार्स देखी हो या छोटी कार्स देखी हो, वो पेट्रोल के ऊपर चलती हैं। तो ये इनके अंदर डिफरेंस होता है। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस आजकल सेम ही है लेकिन एवरेज के हिसाब से जो है वो डीजल की गाड़ियां जो है वो ज्यादा एवरेज देती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सारा सिस्टम होता है, अरेंज्ड होता है कि डीजल इंजन जो है वो ऐसे वर्क करता है। डीजल इंजन के अंदर पार्ट्स थोड़े से ज्यादा होते हैं पेट्रोल इंजन के मुकाबले, पेट्रोल इंजन के अंदर कम पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे वर्क करती हैं सारी चीजें। अब इनकी वर्किंग जो है अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि कैसे वर्क करते हैं, एक्चुअल में जो टू स्ट्रोक इंजन है वो कैसे वर्क करता है, फोर स्ट्रोक इंजन है वो कैसे वर्क करता है, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।